चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। हम लोगों ने 1D मोशन में एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रखा था जानबूझ के, ताकि वो टॉपिक जब करें तो कंटिन्यू 1D और 2D दोनों कर लें। अभी तक सिंपली हमने क्या किया है, काइनेमेटिक्स में हमने 1D और 2D मोशन कर रखे हैं, लेकिन 1D रिलेटिव मोशन और 2D रिलेटिव मोशन ये हमने टॉपिक छोड़ रखा था। हम ये सोच के रखे थे कि रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट करेंगे तो साथ ही 1D और 2D दोनों करवा देंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसके सवाल रिलेटिव मोशन वैसे यूज कम ही जगहों पे होता है, या आप बिना इसे यूज किए भी बना सकते हैं प्रॉब्लम को। बिना रिलेटिव मोशन के भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि अगर आपको रिलेटिव मोशन आ गया ना, तो हमने काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में 2-3 प्रॉब्लम करवा रखे थे आपको, चोर पुलिस वाले टाइप का या अप्रोच वाली ओवरटेकिंग वाली प्रॉब्लम करवा रखी थी, तो आपने उसके स्टेप्स देखे थे। और है क्या कि अगर उसी प्रॉब्लम को आप रिलेटिव मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना, तो जल्दी होता भी है और आसान भी होता है। ये हमने आपको भी बोला था कि आप यहाँ पर आप देख लो इस तरह के प्रॉब्लम को, और इस तरह के प्रॉब्लम हम आपको रिलेटिव मोशन में भी करवाएंगे। तो इसीलिए रिलेटिव मोशन अगर आपको नहीं भी आया तो आपकी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो बढ़िया रहेगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनमें रिलेटिव मोशन लगना ही लगना है, और बिना रिलेटिव मोशन लगाए आप उसे बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, या हो सकता है बन भी जाए लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो रिलेटिव मोशन सेंसिटिव टॉपिक है, हल्का सा भी कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? हो सकता है 2 दिन ज़्यादा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना इम्पॉर्टेंट है। नहीं, टाइम तो आपके पास पर्याप्त है ही। क्या मजाक कर रहे हैं, लॉकडाउन ने तो आधी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी, मतलब आधा सेशन तो बर्बाद कर रखा, बचा कुचा आधा सेशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो आपको हर डे आधा घंटा ज़्यादा मिलता है, मतलब क्लासेस फिजिक्स की 1.5 घंटे की होती है, ताकि आपका लॉस ना हो। और टॉपिक ख़त्म हम लोग सिलेबस करेंगे और टाइम पे ही ख़त्म करेंगे, और सारी चीज़ें पढ़ के हुए ख़त्म करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं होगा आपका, ठीक? इसीलिए चिंता नहीं करना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं, लगाएंगे हेडिंग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन देखो, ये सारी चीज़ें मोशन के बारे में ही बताएगी, लेकिन किसी के रिलेटिव में। ये सारा कंप्लीट जो मोशन आपने पढ़ रखा है, चाहे वो 1D हो या 2D हो, होगा तो ये मोशन ही, लेकिन किसी के रिलेटिव में होगा। तो यहाँ पे किसी के रिलेटिव का मतलब होता है, जब हमने स्टार्टिंग करा था काइनेमेटिक्स को, आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, कंप्लीट आइडिया हमने आपको दिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो यहाँ पे किसके रिलेटिव में, भाई मोशन ही पढ़ना है हमें, लेकिन किसी के रिलेटिव में। अब यहाँ पे रिलेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि मौसा का बेटा ना, फुफेरा भाई ना, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव में, किसी के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? बहुत सारे लोग चलते हैं कि मोशन का रिलेशन नहीं, मोशन का बेटा, मोशन का चाचा, मोशन का मौसा, मोशन की मौसी, ना ना, मोशन का रिलेटिव नहीं, रिलेटिव मोशन पढ़ना हमें। तो यहाँ पे आपको ये बातें तो समझ में आ गई कि पढ़नी हमें मोशन के बारे में है, लेकिन किसी के रिलेटिव में। किसी के रिलेटिव मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिसके भी रिलेटिव में आपको मोशन को कंसिडर करना, ये कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, बेंच हो सकता है, प्लानिट हो सकता है, ट्री हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चलता हुआ ट्रेन हो सकता है, रुकी हुई बस हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन कंसिडर करना है। सीधी सी बात है, समझेंगे भी हमें। तो ये जिसके भी रिलेटिव में होगा उसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझना इम्पॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? जिसके रिस्पेक्ट में, आप इन शॉर्ट फ्रेम भी कह सकते हैं। और हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल्स में आपको बता रखा है, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि किसी के रिस्पेक्ट में किसी के मोशन को बताएंगे, और इसी मोशन को हम लोग एक कंप्लीट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझें कैसे? तो भाई सिंपल सी चीजें हैं, आओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझें।
जैसे मान लो हमारे पास एक नया शादीशुदा कपल है, नाम है एक का, आजकल क्या नाम चलता है, कोई भी आए ना भाई, हम तो हमने क्या बोला था कि शादीशुदा, अच्छा शादीशुदा कपल थोड़े होते होते जो भी हो, मान लीजिए एक नई नया नया शादी हुआ, नाम है इसका शर्मा जी, हाँ ज्यादा चलता है शर्मा जी वर्मा जी ज्यादा चलते हैं ना, हाँ ठीक है। और ये शर्मा जी है और ये शर्मा जी की मिसेस है, मिसेस शर्मा जी, चलेगा नाम बोलो ना सर इसका ना, इसका नाम है इसका नाम है श्रीमती दुर्गा देवी, नहीं हाँ श्रीमती हाँ दुर्गा देवी, धार्मिक फीलिंग आ रहा है, चलिए। और एकदम से बिल्कुल पतली दुबली थी, देखने में ठीक ठाक ही होगी है ना, ठीक है, कुछ अंतर लग रहा है, कोई बात नहीं, शर्मा जी भी ऐसे ही थे, जो जैसा होगा उसे वैसा ही मिलेगा। अरे कहाँ मुझ भाग वहां बैठा, इधर बैठो सामने आओ, मैटर समझो, देखो ये शर्मा जी की वाइफ है, समझ गए, ठीक है। शर्मा जी का हाइट मान लो है 165 मीटर, ठीक है, और शर्मा जी की वाइफ का हाइट है 160, ज्यादा डिफरेंस मत करना, अच्छा ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, लो ज्यादा हो जाएगा कुछ ना, आई बात समझ में। और इसके पड़ोसी ठहरे वर्मा जी, कहाँ पे रखें, चलो कहीं भी है ना, और वर्मा जी थोड़े लंबे आदमी हैं, ठीक है, और इसकी हाइट है 170 मीटर, मीटर को समझ, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, मीटर को समझना। तीन लोग यहाँ पे हमारे पास है, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी, वर्मा जी बेचारे सिंगल हैं, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, हाँ पड़ोसी हैं शर्मा जी इसके। प्लानिंग क्या है ये देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि शर्मा जी की वाइफ जो है, मान लो ऐसे गपशप चल रहा है पड़ोसी में, शर्मा जी की वाइफ शर्मा जी से थोड़ी छोटी है, कितनी, 5 सेंटीमीटर, शर्मा जी की वाइफ का जो हाइट है वो शर्मा जी के रिस्पेक्ट में क्या है ये बताओ, हाँ हाइट ऑफ दुर्गा देवी, नहीं दुर्गा जी का लगा देते हैं, अच्छा लगेगा नहीं तो बुरा मान जाएगी, दुर्गा जी का हाइट है कितना, हाँ 5 सेंटीमीटर लेस देन, नहीं शर्मा जी से 5 सेंटीमीटर लेस देन शर्मा जी से, समझो अगर यही पूछा जाए कि भाई वर्मा जी के रिस्पेक्ट में बताओ दुर्गा देवी का क्या हाइट है, हाँ लेस देन है, नहीं बुरा मानेगा, हाइट ही बता रहा है रिस्पेक्ट में, वर्मा शर्मा जी बुरा मान जाएंगे क्या, नहीं ना भाई मेरी वाइफ है, कंपेयर करना है तो हमसे करो, काहे पड़ोसी से कर रहे हो, बस हाइट का कंपेरिजन हो रहा है, नहीं मानेगा, दोनों अच्छे मित्र हैं, हाइट ऑफ अगर दुर्गा जी की बात की जाए तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लेस देन, मैटर को समझो, लेस देन वर्मा जी देखो इंसान एक ही है, लेकिन अगर हम लोग इसके हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रहा है, क्या अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में, अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में इसका हाइट चेंज हो रहा है, क्या इसका एक्चुअल हाइट चेंज हो रहा है क्या,
तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे मोशन हो, मोशन होगा तो चीजें क्या क्या बदलेंगी ये बताइए। पोजीशन बदलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी बदलेगी, एक्सेलरेशन आएगा। मोशन में यही लोग होते हैं ना, मोशन में कितने लोग हैं, गिन चुन के 4-5 लोग हैं। वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी इनिशियल फाइनल हो सकती है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, यही सारे लोग होते हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में इसके हाइट को कंपेयर किया गया है, तो ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके रिस्पेक्ट में आपने हाइट को कंपेयर किया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बना, वर्मा जी बने, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में किया गया है। तो थोड़ा बहुत सेंस क्लियर हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। जैसे रिलेटिव हाइट ऑफ दुर्गा देवी विथ रिस्पेक्ट टू शर्मा जी 5 सेंटीमीटर लेस देन या मोर देन, तुम समझ ही पा रहे हो, देख के भी लग रहा है। और अगर रिलेटिव हाइट की बात की जाए दुर्गा जी का वर्मा जी के रिस्पेक्ट में, तो 10 मीटर लेस देन आ रहा है। आई बात समझ में, ये चीजें होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे अब सिर्फ हाइट की बात नहीं कर रहे, मोशन में आप वेलोसिटी भी तो कंपेयर कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में। तो यहां पे अगर हम इसको थोड़ा फिजिक्स के तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये तो रहा मान लो सामाजिक बातें, है ना। अब इस अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी चीज को लिखते कैसे, याद रखना ये डाटा क्या आया था, 10 और 5 आया था, ठीक है। तो 3 लोग यहां पे हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी। अभी सिर्फ हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस थोड़े स्लो होंगे, कारण यह है कि जब तक वो चीजों को तुम पकड़ ना पाओ कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, पकड़ने के बाद तो स्पीड ऐसे भी पकड़ लोगे तुम लोग। यहां पे मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। 3 लोग हैं। हाइट क्या था शर्मा जी का, 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर, ये था। अब किसका हाइट बताना है, बी का। बी का हाइट हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये लिखने वाले हैं हाइट ऑफ किसका, बी नहीं, हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आंसर बताओ, 5 ना, -5, कम का मतलब -5। देखो यहाँ पे है क्या कि थोड़ा वेक्टर वाला चीज ध्यान में रखना है, और वेक्टर को सिर्फ माइनस और प्लस साइन से हम लोग यहाँ पे वेक्टर में जो माइनस और प्लस वाला मैटर आता है बस उसको इंक्लूड करने वाले हम लोग। आई बात समझ में, कम का मतलब माइनस और ज्यादा का मतलब प्लस, क्लियर। ऐसे भी देखो ना, हाइट छोटा है ना, क्या आंसर आया है, वेरी गुड। -5 से क्या सेंस आया, छोटा है ये, वेरी गुड। हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना आया, -10। अगर हम आपको यही बात पूछें कि हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या बताओगे, बिल्कुल +5 सेंटीमीटर बोलेंगे आप। और हाइट ऑफ मान लो सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो, हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी का हाइट बताना एक रिस्पेक्ट में, तो बोलो अरे हाइट किसका बताना है, सी का, तो सी बड़ा है कि छोटा है, देखने से लग रहा है वैसे। कभी कभी अब तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पे देखने से ना, तो भाई डाटा से पता तो चल ही रहा है ना कि छोटा ये बड़ा है, तो बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, बड़ा है पॉजिटिव आएगा कितना, 15, अच्छा 70 और 65 है तो 5 ही आएगा प्लस में। अब आप हमें ये बताइए इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, देखो यहीं से चीजें बननी स्टार्ट हो रही है, टॉपिक स्टार्ट है आपका, भले आपको नहीं लग रहा है लेकिन टॉपिक स्टार्ट है आपका, फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया है आपका। अब बताओ 5 इन दोनों के बीच रिलेशन है, तो -5 चुने चाहिए, 165 में से 160 को माइनस करोगे कि 160 को 165 में चाहिए तुम्हें माइनस, कमाल हो गया। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हाँ कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, चीजों को समझनी है। ये आया है,
प्यारे बच्चों ये बताइए ये क्या है, हाइट ऑफ बी है, आया ना? वेरी गुड, ये है हाइट ऑफ बी, और ये क्या है हाइट ऑफ, इसको बाद में लिखते हैं। ये हो गया आपका हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए। आई बात समझ में? बस हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए। आगे जाके यही फॉर्मूला बनेगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी में भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। क्या ये फॉर्मूला फॉर्मूला है क्या? हाँ भाई, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल एनालिसिस है, यही होता। अगर आप सर फॉर्मूला नहीं भी बताते तब भी हम यही बात बोलते। बोलो आए बाबू, तुमको बोले कि ध्यान यहाँ रखो, रखता नहीं है तुम। फिर से सुनो, हम ये क्या लिख रहे हैं, कंपैरिजन, रिलेटिव हाइट लिखना चाह रहे हैं। किसका? बी का। बी का रिलेटिव हाइट एक रिस्पेक्ट में बताओ कितना है, ये 5 मीटर छोटा है, 5 सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए हमने -5 लिखा है। अब ये -5 इन दोनों को घटाने से ही आया होगा ना, तो भाई किसको किससे घटाओगे, 165 में से 160 को कि 160 को 165 में? -5 चाहिए, तो 160 -165, दिस गिव्स रिजल्ट -5। पकड़ पा रहे हैं? -5 ही रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखो, ये 160 है क्या हाइट ऑफ बी है, ये 165 है क्या हाइट ऑफ ए है। हो गया फॉर्मूला। अब यहां से देखो, ये टर्म जिसकी भी जो चीजें निकालनी है, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, बोर्ड पे ध्यान दो, जिसका भी जो निकालना है तुम्हें, जिसके रिस्पेक्ट में, आई बात समझ में? तो ये रिलेटिव टर्म है, उसका ओरिजिनल मतलब उसका खुद का माइनस जिसके रिस्पेक्ट में उसका, वो चीज जो तुम्हें निकालना है। जैसे अभी हाइट निकालना था, तो रिलेटिव हाइट निकालना है किसका, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो बी का खुद का हाइट माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं उसका हाइट कर लो। फॉर्मूला तैयार है आपका, याद नहीं रखना है फॉर्मूला, मैटर समझना है। अगर इसी चीज को हम यहां पे लिखें, इसको नहीं लिख रहे, अब बताओ, अब इसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा करते हैं हम लोग इसके साथ बी और सी के साथ कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। किसका हाइट बताना है, सी का, किसके रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, प्लस टेन, क्योंकि सी बड़ा है ना बाबू, सी तो ज्यादा आएगा, सी बड़ा है, समझ पा रहे, इसलिए पॉजिटिव साइन पुट कर दो ताकि ये चीजें तुम समझ पाओ कि क्या होता है। वेरी गुड, अब बताओ इसको छोड़ो, फॉर्मूला भी सीखा तुमने, कोशिश करते हैं पुट करते हैं फॉर्मूला, क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, जिसका निकाल रहे हैं उसका हाइट माइनस जिसके रिस्पेक्ट में उसका हाइट, क्या ये रिजल्ट, एस सी है कितना 170, एच बी है कितना 160, क्या ये रिजल्ट प्लस 10 दिया? बोलो, प्लस 10 दिया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। बोलो बाबू, आपको लग रहा होगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इसकी अहमियत तुम्हें बाद में पता चलेगी बाबू, ठीक है। ये सब तो तुम लोग सोच रहे हो कि हो, कोई भी जानता है, सच में जानता है। देखो हम लोगों का हाल बजरंगबली जैसा है, ऐसा नहीं कि अब बजरंगबली वाले वो जेंडर नहीं, जो नेचर है, समझ रहे हैं, मतलब लड़कियों को भी बजरंगबली नहीं बना दें, मतलब वो नेचर वाली बात। और बजरंगबली के पास प्रॉब्लम क्या था पता है तुम्हें, बजरंगबली स्टार्टिंग से ही, वैसे आज धार्मिक त्यौहार भी है, जितिया है, तो सोचे चलो धार्मिक कहानी सुना देते हैं। ध्यान रखना इस बात को, समझना, और इस कहानी से क्या सीख मिलती है बाद में, मोरल ऑफ द स्टोरी तुमसे पूछेंगे, 2 मिनट समय लेंगे आपका, ले सकते हैं। देखो बजरंगबली आपको पता है कि बचपन से पता, नाम सुने ना बजरंगबली का, अरे हनुमान जी, हाँ हर चौक पे मिलेंगे तुम्हें मुंह फुलाए हुए, मिलते हैं ना, कहीं भी चले जाओ अगर चौक पे तुम्हें छोटा सा मंदिर, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा खोपचे में कहीं भी कोने में एडजस्ट हो जाते हैं, नहीं पता किस भगवान का मंदिर है, तुक्का मारो बजरंगबली निकलेंगे 100%। प्रॉब्लम क्या है बजरंगबली के साथ, स्टार्टिंग में बजरंगबली थे बहुत बदमाश बचपन में, ठीक है, पता होगा ना कि निकल गए थे सूरज को खाने, खा भी लिया था, तब इंद्र भगवान मुंह में मारा था मुक्का, क्या बोलते हैं उसको, वज्र, हाँ, तब वो सूरज भगवान निकले थे। तो प्रॉब्लम ये था कि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उसके पास, और उस एनर्जी को वो कंट्रोल रख ही नहीं पाता था,
यही सब काम करता था वो, कभी सूरज खा लिया, कभी धरती निकल गया, धरती नहीं निकला गया। तो अब इसके मम्मी पापा परेशान, पवन जी नाम जानते हो ना, पवन पुत्र कहते हैं, तो वो उसके पापा ठहरे। तो ऐ बात को समझो, तो हुआ क्या कि बहुत परेशान, तो क्या करें इस बच्चे का पता नहीं। आजकल एक ऐड भी आता है ना वो एसी वाला, नहीं सूरज कुमार, नहीं समझा, आइसक्रीम खाने वाला, रे सूरज कुमार ऐड नहीं देखा एसी का, ए हाँ चलो देख लेना बाद में, अवेलेबल है अभी भी आता है। तो प्रॉब्लम ये था कि अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कहा उसको मतलब किसी ऋषि ने के पास ले जाया गया और बोला कि भाई देखो पावर इसके पास रहेगा लेकिन इसको ना एक व्यवस्था करना पड़ेगा, इसको एक श्राप या आशीर्वाद देना पड़ेगा कि इसके पावर को जब तक इसे याद नहीं दिलाया जाए तब तक इसे अपने पावर की अनुभूति नहीं होगी, इसको पता नहीं चलेगा किसके पास पावर है। आई बात समझ में, इसको ये भूल जाएगा कि इसके पास पावर है या कुछ है, ये याद तुम्हें तब दिलाना है जब तुम्हें लगे कि इसके पावर को की जरूरत इसे है, तो उसको याद दिला देना। अब याद दिलाने कैसे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मतलब उसको रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे, एकदम मोटिवेट करेंगे उसको। और सच में यही होता है, हम लोगों के पास कुछ कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है पहाड़ उठा के तोड़ देते हैं, जीतन राम मांझी जैसा। हम बताए बार बार मेरे साथ जीतन राम अभी जिंदे ही है, वो तो 10-15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, दशरथ राम मांझी थे वो, और हमको ना कन्फ्यूजन हो जाता है जीतन राम मांझी दशरथ मांझी को हम जीतन राम मांझी बोल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम हुआ और इसकी आवश्यकता उसे पड़ी। आपने देखा होगा जब वो पुल बन रहा था राम सेतु, श्रीलंका जाना था भगवान श्री राम को, लंका जाना था, पुल बनाना था ना, तो बजरंगबली की आवश्यकता पड़ी उसे, समुद्र कौन कूदेगा पुल बनाने में, नहीं पुल मतलब वो क्रॉस करने, सॉरी हाँ वो नदी क्रॉस करने में, समंदर था ना, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, वो अशोक वाटिका जाना था उसे ना। तुम लोग देखता है ना रामायण महाभारत सब, नहीं देखा तो कम सुना करो, चलो बीच बीच को। तो यही प्रॉब्लम हुआ था, अब समुद्र नांगेगा कौन, इतना बड़ा कौन जाएगा, किसी के पास पावर नहीं है। तब वो जो जामवंत इंजीनियर साहब थे, शायद उसको ये बात पता था, हाँ पुल बनाने का क्रेडिट जामवंत इंजीनियर बहुत बड़े थे, अरे मजाक सच बता रहे तुम्हें, जामवंत जो थे, जामवंत वो भालू वाले इंजीनियर थे, वो बहुत हाई लेवल का इंजीनियर था वो, हाँ उसको ये बात पता था, और विश्वकर्मा का भी आशीर्वाद वगैरह कुछ मिला हुआ था, बहुत सारा बात सब था, छोड़ो मैटर समझो। तो तब वो सबको बोला कि बजरंगबली को फुलाओ, मतलब इसको उकसाओ, क्योंकि इसका पावर इसको पता नहीं चलता है कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उस वक्त उसको फुलाया गया कि तुम बहुत पावरफुल हो, ये कर लिया था, इसका कहानी सब सुनाने लगा इसको, ये सब क्या बोला, वाह कमाल हो गया, हमको तो बहुत पावर है, जय श्री राम, उड़ गया और पहुंच गया समुद्र के उस पार। यही हाल हम लोगों का है, हमें पता बोर्ड पे सारी चीजें जो लिखी जाती है, तो मैंने लगता है कि लिखने के बाद अरे ये तो पता था, ये तो सच में है कि नहीं बताओ, क्या ये तुम्हें नहीं पता पहले से, इसमें कोई नई बातें थी क्या, इसके बाद भी जो लिखा जाएगा वो भी तुम्हें पता है, इससे पहले भी जो लिखा गया था वो तुम्हें पता है, सब पता होता है, बस याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें पता है। इसीलिए अपने आप पे भरोसा करिए, है ना, याद हम दिलाते रहेंगे कि आपको ये पता है, इसलिए ये सोचना ही नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं, सब तुम्हारे पास है, याद दिलाने का काम हम करेंगे। आइए टॉपिक पे, समझ गए ना, हाँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये बता दिए तुम्हें कि तुम सर्वशक्तिमान हो, ये मान के चलो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा शक्तिमान हो ये मत मानना, है ना, दोनों का मतलब एक ही आता है क्या, मतलब ये मत मानना कि तुमसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं, तुम शक्तिमान हो, तुमसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है, ये क्यों मानना, रहने दो, है ना। तो ये चीजें थोड़ी बहुत पकड़ पा रहे हैं कि आखिर होता क्या है यहाँ पे, यही चीजें वेलोसिटी के साथ भी होगी, तो रिफरेंस का यहाँ पे बस यही रोल है कि उसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन को कंसीडर करना, बात मत करिए, उसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन को कंसीडर करना है, चाहे मोशन हो रहा हो तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा,
हाइट ट्रेवल होगी, एक्सेलरेशन वगैरह होगा, ये सब सारी चीज़ें। ये तो नॉर्मल एक डेमो था कि इस चीज़ों को हम लोग करने क्या वाले हैं, आगे उसको फील कर पाओ। क्लियर आई बात समझ में? तो ये जो थोड़ा सा टेक्निक तुमने सीखा है, इस टेक्निक को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ बदलाव होंगी, कभी कभी प्लस भी तुम्हें देखा जाता है। बिल्कुल मत मानना कि प्लस भी होता है, प्लस आने रहेगा आ जाएगा। आपको एक ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? आपको ये मैटर्स ध्यान में रखना कि आखिर ये होता क्या है। आई बात समझ में? फिर बाद में कुछ फॉर्मूला आएगा जो तुम याद रख पाओ तो बढ़िया, डायरेक्ट यूज कर लोगे। क्लियर? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसके रिस्पेक्ट में। आओ एक दो और, ये तो था पोजीशन से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड। एक दो और तुम्हें एग्जांपल दिखाएं ताकि तुम महसूस कर पाओ, फिर क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे। टॉपिक आसान होता है लेकिन इस टॉपिक में बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम बनता है, जैसे वो छत्ता वाला प्रॉब्लम बनता है, रेनमैन, रिवर बोट, नहीं चोर पुलिस, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब सब हम लोग इसी टॉपिक में सीखेंगे। इसके लिए ही जरूरी है आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना। आओ बात करें। क्या हुआ सर, हमसे भी कभी कुछ बोल दिया करो। है आई कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो भगवान ने आपको बुद्धि दे रखा है, दिया है, कोई लोग मान के चलता है कि नहीं है हमारे पास, नहीं सबके पास है। और देखना अभी सब आंसर देगा इसका, और अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं आता है, सीखा ही नहीं हमने, बस कॉमन सेंस का यूज करना है। देखो ये तो था हाइट के लिए। अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा वेलोसिटी के बारे में बात करें, ठीक है? जैसे मान लो ये एक ट्रॉली है, समझना, क्या वो स्केटबोर्ड जो भी कह सकते हो, नहीं पहिए लगे हैं इस पे, और इस पे एक लड़का चल रहा है। मान लो लड़का का नाम ए है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, डायरेक्शन वेलोसिटी का ये है इसका। आई बात समझ में? बोलो। अब यहाँ पे इसका मित्र खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे एक इसका मित्र खड़ा है। चलो इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ठीक है? ये एकदम रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये रेस्ट में है, समझो बात को। अब बस आपको ये पूछा जाए कि इससे पूछा गया कि बाबू तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, जुदा हो रहा है हमसे, किस वेलोसिटी से? बिल्कुल ध्यान से समझो, आपने क्या बोला कि ए बी की वेलोसिटी, ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी हम दे रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये जो विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में। अच्छा कुछ कुछ लिखता भी है रे, हाँ बोलना, लिखने उठने का मन करे तो। हाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो तुमने सीधा बोला, बुद्धि लगाया और क्या बोला। देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है तुम्हें, डायरेक्शन का। वैसे इस पे कोई ये कंडीशन नहीं कि तुम, हमने तुम्हें जो डायरेक्शन बता रखा वही लेना है। जनरली आपको इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, जनरली हम लेंगे, तुम्हारी मर्जी। इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेना है, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेना है। इसमें कोई नई बात नहीं थी, बचपन से सीखते आ रहे हैं आप। नई बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव लेना, तुम्हारा मन करे इधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन हम लोग सब एक ही मन बना के पढ़ेंगे और यही वाली वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। किसी को कोई आपत्ति अभी बोलो, नहीं तो बदल देंगे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं ना है। वेरी गुड। तो हमने आपको ये कहा कि भाई जब भी मोशन कंसीडर करना हो तो वेक्टर वाले टर्म्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है, मतलब वेक्टर में प्लस माइनस साइन को इंक्लूड करना है। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव अलोंग जाएगा, ठीक है, और पीछे आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आया तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। सोच के क्या बोला आपने? सोच के आपने ये बोला कि भाई एक चुपचाप देख रहा है और बी इधर जा रहा है, पॉजिटिव के अलोंग जा रहा है। देखने के बाद पता चला, मतलब रिजल्ट ही यही आया कि नेट जो वेलोसिटी हुई बी की ए के रिस्पेक्ट में, वो इधर जा रहा है, पॉजिटिव के अलोंग जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। इसलिए यहां पे प्लस लगा दो तत्काल, ठीक है? अगर हम ये आपसे पूछें, चलो यहीं पे इसको कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था कि जिस
की वेलोसिटी लिखनी हो उसको इसके करीब लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में उसको उसके बगल में। आप ये बिल्कुल मत करना कि सर कुछ लिख देंगे ए बी और बी ए में क्या फर्क पड़ता है, फर्क यहां पे पड़ता है वेलोसिटी में, ठीक है, यहां पे फर्क पड़ेगा, दोनों का मतलब अलग होगा। अभी देखना बी ए और बी ए बी का मतलब अलग लगाएगा, रिजल्ट अलग लगाएगा बाबू, समझ गए बात को। हमेशा साइन भी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें बदल सकती है, जनरली साइन चेंज होता है, नहीं सेंस चेंज हो गया, साइन चेंज हुआ मतलब सेंस चेंज हो गया। तो और आपको हमने यहाँ पे दोनों चीजों से समझेंगे, पहले अगर थोड़ा बहुत आपने फॉर्मूला सीखा है तो बताओ कोमल क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसमें, पहले बी की पहले ए, वेरी गुड। यहाँ पे साइन क्या रखोगे, माइनस की प्लस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या रखोगे, ये फॉर्मूला बना तुम्हारा, आई बात समझ में, रख के देखते हैं क्या होता है भाई। बी की वेलोसिटी कितनी है इधर, कितना प्लस 10, माइनस डालो। ए की वेलोसिटी कितनी है, कुछ नहीं जीरो, रिजल्ट बताइए कितना आया, वेरी गुड प्लस 10 आया, मतलब ये काम कर रहा है, आई बात समझ में, काम कर रहा है। ये तो हुआ फॉर्मूले वाले तरीके से, अब थोड़ा सोच लेते हैं क्या हुआ है। बिल्कुल कि ए ने देखा, और इसका यही ना मतलब आया कि ए ने देखा कि बी पॉजिटिव के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो रिजल्ट इसलिए 10 आया। और अगर इस 10 को बिना फॉर्मूले की मदद से या फॉर्मूला बनाना चाहो तो समझो वही फॉर्मूला फिर से बनेगा। देखो अब तुम्हें प्लस 10 चाहिए, तुम्हारे पास दो लोग हैं, एक 10 और एक 0, बताओ 0 में से 10 को माइनस करने से 10 प्लस 10 आएगा कि 10 को 10 में से 0 को माइनस करने पे आएगा, आई बात समझ में। तो हमें ये पता है कि हमें प्लस 10 चाहिए, ये तभी संभव है जब 10 में से 0 को माइनस करें। अब बोलोगे सर प्लस करने से भी काम चलेगा, बोलो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन हम लोग प्लस वाला काम नहीं करने वाले, करने से भी रिजल्ट आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला वही बनेगा, लेकिन एक ही चीज सीखो ना, 10 चीज सीखोगे कंफ्यूज करोगे, आई बात समझ में, 10 बातें सीखोगे कंफ्यूज करोगे, एक ही चीज सीखो, ठीक है, आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों ये बताइए ये 10 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ बी है। ये 0 क्या है, क्या ये वही फॉर्मूला है जो तुमने इससे पहले बोला था, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, वेरी गुड। तो चाहो तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आया रिजल्ट तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुमसे अगली बात पूछे, ये वाला लाइन लिख लिया रे, वेरी गुड। अब यहां से हम तुम्हें बस ये पूछ रहे हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब सुनो इसका आंसर माइनस 10 होगा कि प्लस 10 होगा, ये समझना। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब अभी हम बी हैं, है ना, और हम जा रहे हैं इधर, हमने पीछे मुड़ के देखा और ए को, तुम्हें क्या लग रहा है कि ए का क्या हाल है, ए तुमसे जुदा हो रहा है लेकिन तुम्हारे मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में, तुम्हारी जाने की टेंडेंसी इधर है और ए तुमसे दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, कारण किस, वजह किसकी है, वजह बी ही है, लेकिन ये खुद को क्या मान रहा है, रेफरेंस मान रहा है, बस वाला हाल है, जिस बस में तुम बैठे रहते हो तो रोड के साइड वाली जितनी भी पेड़ होती है वो चल रही होती है, या ट्रेन पे जब आप बैठ रहे होते हैं आपको लगता है कि रोड चल रहा होता है, नहीं बिल्डिंग्स घूम, मतलब बिल्डिंग्स पीछे छूट रही होती है, मूव बिल्डिंग कर रहा होता है, कारण क्या है, कारण रिलेटिव वाली बातें हैं, यही चीजें हैं कि तुमने खुद को रेफरेंस माना है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में चीजें, चीजों का पोजीशन बदला तो वो मोशन में होता है, हमने रेस्ट और मोशन में ये चीजें बात कर रखी थी पहले भी। तो अब क्या हुआ, अब हमने देखा बी के बारे में, तो बी से पूछा कि ए का क्या हाल है, तो बोला गया कि भाई ए ना हमसे पीछे छूट रहा है, किस स्पीड से, 10 की स्पीड से पीछे, पीछे का मतलब माइनस हुआ, पीछे का मतलब अगर बी से पूछा जा जाएगा तो सीधी सी बात है ना, ए पीछे छूटेगा, ए दूर जाएगा इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई आपने ये कंसीडर किया है पॉजिटिव, ये कंसीडर किया है नेगेटिव, रिजल्ट कितना आएगा, माइनस टेन मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है बी के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब ये -10 मीटर पर सेकंड तुम्हें चाहिए, कैसे आएगा, हाँ लिखते क्या है, यहाँ पे लिखते क्या है, वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी ए का,
किसके रिस्पेक्ट में? बिल्कुल, अब ये माइनस टेन तभी आएगा जब आप जीरो में से दस को माइनस करोगे। बोलोगे सर माइनस दस में से जीरो को प्लस कर दें, माइनस दस में से जीरो को माइनस कर दें तभी रिजल्ट जीरो आएगा। हाँ बेचारा भी जीरो है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी डाटा दूसरा आएगा फर्क पड़ेगा। तो मैटर को समझो ऐसे ही यूज करना है, तो जीरो में से दस को अगर माइनस करोगे रिजल्ट क्या आएगा? माइनस दस। वेरी गुड, ये आएगा तुम्हारा माइनस दस। अब बताओ जीरो है क्या? वेलोसिटी ऑफ ए। दस क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी। क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है? कर रहा है। आई बात समझ में? नोट करो, तो यही चीजें होने वाली है। एक और दोनों में मोशन, अभी तो एक का जीरो था ना, अब दोनों का मोशन वाला डालते हैं। ठीक है, अब आएगी मेन कहानी, बेटा इसे देखो। बस एक दो क्लास थोड़ा बोले हम पहले भी कि स्लो रखेंगे जानबूझ के, ताकि चीजों को तुम ग्रैब कर पाओ, उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी। अब आइए अगले केस में हम लोग ये समझें। देखो अभी क्या है, हाँ एक चीज और समझिए लो, ये ट्रॉली पे ये लड़का जो बी है वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। अगर मान लो इसका फ्रेंड अब इसकी ट्रॉली पे ही कूद जाए, इसके साथ मान लो ट्रॉली पे ही आ गया, कौन? ए। ए अब ट्रॉली पे ही आ गया, आई बात समझ में? तो अब हम अगर तुमसे पूछें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले समझो। देखो वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि उसके बीच का सेपरेशन चेंज होना, नहीं उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ना या घटना, तब ना एक दूसरे के बीच वेलोसिटी। अब सीधी सी बात है, ट्रॉली पे लड़का है, ट्रॉली चल रही है, मतलब लड़का ट्रॉली पे थोड़ी दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली चल रही है। तो बताइए बाबू बी की वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बी ट्रॉली पे है और ट्रॉली चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए की वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, ट्रॉली पे है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब अगर हम आप अगर ए से पूछें कि बाबू बी तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, ए से पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 मीटर पर सेकंड होता पॉजिटिव में तो बी छोड़ के जाता ना उसे आगे, अभी जो तुमने सीखा है। इसका मतलब ए और बी जहां है वही है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, दोनों में से किसी का पोजिशन नहीं बदला है। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तब भी जीरो होगा, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तब भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों बातें हैं, एक तो ये तुमने कॉमन सेंस ही यूज किया। आओ फॉर्मूले से वर्क करें, ठीक है, आओ इसे फॉर्मूले से करें। आप बताओ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ध्यान से दो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या तुमने बनाया था? वी ए माइनस बी वी। प्यारे बच्चों बताइए वी ए का वैल्यू कितना? प्लस, पॉजिटिव टेन ना, प्लस टेन की तरफ माइनस, वी बी की वेलोसिटी पॉजिटिव टेन की तरफ। प्यारे बच्चों बताओ कितना होगा? आया ना, कॉमन सेंस से भी जीरो और तुमने जो फॉर्मूला बनाया उससे भी जीरो। बोलो क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, अच्छा। और दूसरी बात है, अगर इसको सोचो, ये वाला फॉर्मूला क्या बनाया तुमने इसका, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखते हैं हम लोग, वी बी माइनस वी ए। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट होगा विथ साइन पुट करना, साइन पता है, वी बी किधर जा रहा है? प्लस में, तो प्लस टेन, और वी ए किधर जा रहा है? प्लस में, प्लस टेन, कितना आया सर? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, मैटर समझ पाए? वेरी गुड, एक केस और करेंगे हम लोग बिटाई से। क्या रे ऋषभ कुमार समझ पाए बाबू? ऋषभ समझ गए, वेरी गुड। आई अब देखो यहां पे मान लो दो बड़ी है, छोड़ो
दो बड़ी है, एक बड़ी ए है जो चल रही है, अरे जो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और दूसरी एक बड़ी है बी जो चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। हम लोग पहले समझेंगे कि पहले फॉर्मूला लगाएंगे, पहले फॉर्मूला से कर लें, हाँ पहले फॉर्मूला पहले समझेंगे, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे ना, मतलब अच्छा भाई अभी तो फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, फॉर्मूला बनाने वाले वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, और जब एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाएगा मतलब सब कुछ ठीक तो फॉर्मूला सही है, बहुत बढ़िया। चलिए फाइनल एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। आओ प्यारे बच्चों, अब अगर हम तुमसे पूछें, अब सीधा बी ए बी लिख देंगे तो समझ जाओगे ना क्या पूछ रहे हैं, हैं वी ए बी का क्या मतलब हुआ, समझ गए बात को, वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब हम किसकी वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं तुमसे, ए के, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, तो तुम बन गए बी। अब क्या करोगे, ए को देखोगे, हम जाने 15 मीटर पर सेकेंड से और पीछे से कोई आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तुम बताओ इसकी वेलोसिटी का क्या हाल है, क्या लगेगा तुम्हें, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है कि तुमसे दूर जा रहा है, सोच के बताना। तुम जा रहे हो 15 मीटर पर सेकेंड से, तुम जा रहे हो 15 मीटर पर सेकेंड से और वो तुम्हें अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो तुमसे दूर जा रहा है कि तुम्हारे करीब आ रहा है तुम्हारी तरफ, लेकिन तुम्हें लगेगा कि वो दूर जा रहा है, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा है, चल रही है, ठीक है, खिड़की वाली सीट पे तुम बैठे हो, बगल से मान लो कभी कभी होता है ना कि ट्रेन रोड के साइड से गुजरती है, बगल में रोड भी रहता है कभी कभी, तो मान लो रोड पे एक बाइक वाला जिधर ट्रेन जा रही उधर ही जा रहा है बाइक, तो ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और बाइक वाली की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर या मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा कि जब तुम बाइक वाले को देखोगे तो बाइक वाला ऐसे जाता है, नहीं लगेगा। अगर मान लो तुम्हें बाइक वाले को कुछ देर तक देखने का मन करे तो क्या करोगे, गर्दन ऐसे रखना पड़ेगा कि गर्दन ऐसे करना पड़ता है, इसका मतलब वो तुमसे पीछे है, सिंपल से सेंस आगे कि वो तुम्हारे, और कुछ देर तक देखते रहो बाइक वाले को टुकुर टुकुर, लगेगा कि वो कुछ देर बाद गायब हो गया, मतलब दूर गया तब तो गायब हुआ, अगर तुम्हारे साथ साथ आता तो फिर आगे निकल चुका होता या तुम्हारे साथ साथ होता, मैटर समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे पीछे जा रहा है, मतलब क्लियर है, किस स्पीड से, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, क्योंकि भाई 15 से हम जा रहे हैं और 10 से अप्रोच किया तो बचा इसका मतलब 5 से वो पीछे जा रहा है, नॉर्मल सी बातें हो गई, 5 से वो पीछे जा रहा है। अब देखो 5 से पीछे जा रहा है, हमारे पास दो मोशन है, एक मोशन इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, ओरिजिनल तो देखो ओरिजिनल तो पॉजिटिव है लेकिन रिलेटिव वाला क्या था, इधर जाना ना, क्या लगाओगे यहाँ पे, आई बात समझ में, फॉर्मूला लगाए अब, आई वी ए माइनस ई बी, समझो वी ए कौन है, ये ओरिजिनल लिख रहे हैं ना, तो प्लस 10, वेरी गुड, वी बी कितना, प्लस 15, सॉल्व करोगे कितना आया प्यारे बच्चों, सत्य है क्या, सही है, सही है, समझ पाए, वेरी गुड, छप्पन है मिटाए से, अगली बात समझ रहे बाबू, ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हाँ अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या हाल है, भाई बी 15 से जा रहा है और ए 10 से उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो तब भी उसके बावजूद भी बी ए ना बी को अप्रोच नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अप्रोचिंग वाला कोलिजन वाला ओवरटेकिंग वाला सवाल हम लोग करेंगे, कंडीशन बताए थे कि जब इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, ये सवाल वैसे करवा भी चुके थे, फिर से करवाएंगे चिंता मत करो, ये 15 से जा रहा और इसके पीछे पीछे ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तभी भी ए बी को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है, कारण क्या है कि उसको लगेगा कि भाई ए हमसे 5 मीटर पर सेकंड आगे है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, चलो दोनों का पोजीशन मान लो अलग अलग है या बीच में मान लो गैप है 10 मीटर का, ठीक है, एक सेकंड दोनों को समय दिए कि दौड़ो, एक सेकंड तक ये कहां चला गया 15 मीटर और एक सेकंड में ये कितना चला जाएगा
10 मीटर, समझना बात को, मैटर क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा टोटल, बोलो। यहां से 10, 15, 25, एक बात समझाना चाह रहे हैं इसी से, आई बात समझ में। अब बोलो इनके बीच ये ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा, यहां पे, और ये ऑब्जेक्ट अभी कहां पे पहुंचा, यहां पे, इनके बीच का गैप कितना रह गया, आप दूरी कितनी हो गई, दूरी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी दोनों के बीच है तो दूरी बढ़ेगी, तो दूरी कितनी होगी भाई, ये वाला गैप बताओ भाई, 25 में से ये रहा कितना, 15 की 5, 10, 5, ये 10 जाएगा ना, तो ये कितना होगा, ये गैप तो खत्म हो चुका ना बाबू, ओ सॉरी, ये 10 जाएगा तो ये यहाँ अप्रोच कर पाएगा ना, तब भाई ये 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ये इसके प्लेस पे पहुंच गया था, यानी ये टोटल वैल्यू 10 है, आई बात समझ में, हमें ये वैल्यू चाहिए, और ये टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 15, 15 ना, इनके बीच गैप बचा नहीं क्या, अच्छा ये यहाँ पे पहुंचा और ये यहाँ पे पहुंचा, हाँ अभी 15 ही रहेगा, अभी कितना गैप है, 15 मीटर का ही गैप है, तो आपको नहीं लगा कि इनके बीच का सेपरेशन कभी ये कम नहीं हो, धीरे धीरे बढ़ेगा ही, दूसरे सेकंड में और सेपरेशन बढ़ जाएगा, तीसरे सेकंड में और बढ़ जाएगा, मतलब ये कभी इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, क्लियर, ओवरटेक नहीं कर पाया इसका ये मतलब हुआ कि ये स्लो है ये फास्ट है, यही ना हुआ होगा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम सेम हो जाती तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, या मान लो दोनों का सेम रहता, या ये फास्ट होता ये स्लो होता तो इसे ओवरटेक कर लेता, अभी ओवरटेक नहीं कर पाया इसका मतलब ये फास्ट है, इससे कितना फास्ट है, इससे 5 फास्ट है, 5 फास्ट है ना, फास्ट मतलब इधर आगे जा रहा है, कितना होगा, +5 होगा, वेरी गुड। अब देखो अगर हम ये +5 आया, अब फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है इसका, vb-da, vb कितना, +15, और da कितना, ये भी प्लस ही है, कितना, +10, सॉल्व करोगे +5 मीटर पर सेकंड आया, आई बात समझ में, ये तो नॉर्मल चीजें थी, एक काम और करेंगे, अब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट करता आते हैं, ठीक है, मिटाए से एकदम हर चीज को एकदम पूरा तोड़ के पढ़ लो, ताकि कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही ना बचे, अब यहां पे जिसको लग रहा होगा कि दोबारा कुछ पूछना हो तो पूछना, ए है और बी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर, आओ अब पता करें वी ए बी का क्या हाल है, सुनो जरा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि तुम ठीक है समझो, जैसे मान लो तुम बस पे हो, ठीक, और बस जा रही है इधर इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से, और अचानक ये हुआ कि मान लो तुम पीछे वाली सीट पे बैठे हो, या चलो आगे बैठे हो, और अचानक एक टाइम आया कि देखा कि तुम्हारे पापा इधर से गुजरे 10 मीटर पर सेकेंड सर, ठीक है, तुम जा रहे हो उधर और तुम्हारे पापा बाइक से इधर गुजरे अपोजिट डायरेक्शन में, बस के अपोजिट डायरेक्शन में, अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की दूरियां बढ़ने लगेंगी, और एक ऐसा समय आएगा ना तुम पापा को कुछ बोलोगे, ना तुम बोल पाओगे, ना तुम्हें पापा कुछ बोल पाएगा, आवाज नहीं पहुंचेगी, सेपरेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, कुछ और मत सोचना, होगा कि नहीं होगा, सेपरेशन दोनों के बीच बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच की वेलोसिटी जो भी चेंज, चलो हाँ, अब देखो एक बात और, कि तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हारे पापा तुमसे दूर जा रहे हैं किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, सोचो, सोच के बताओ, मान लो तुम बस में बैठे हो, 25 नहीं पता लेकिन 10 से भी ज्यादा होगा और 15 से भी ज्यादा होगा पक्का, तुम्हें ये फील होगा, तुम बस पे बैठ के देखना कि अगर कोई बाइक वाला इधर से गुजरा है तो बाइक वाले की जो एक्चुअल स्पीड है, नहीं जैसे मान लो जा रहे हो तुम इधर से, नहीं और ट्रक इधर से सुई सा ट्रक निकलता है, और एक्चुअल स्पीड से ज्यादा स्पीड से तुमको लगता है कि ट्रक तुम्हें छोड़ के गया या तुमने ट्रक को छोड़ा, दोनों केस में, आई बात समझ में, बोलो
ना तो 10 होगा ना तो 15 होगा, 15 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, ये तो फीलिंग आ गई पक्की ना, और ये होगा तुम्हारा 25। अब माइनस प्लस की बात करेंगे, 25 होगा और 25 में माइनस की प्लस वो देखेंगे हम लोग बाद में। इसे हम लोग फॉर्मूले से, 25 वाला डाटा तो आ रहा है, फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला बना चुके हैं ना, तो थोड़ा फॉर्मूला से करते हैं हम। वी ए माइनस वी बी, वेरी गुड। दोनों केस में माइनस 25 ही आएगा क्या, एक में 25 आएगा? हाँ, अभी देखना क्यों आएगा। वी ए का वैल्यू कितना है बाबू? वेरी गुड, -10, माइनस लगाओ। और वी बी का वैल्यू +15, सॉल्व करोगे -15 -10 कितना हो जाएगा? -25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको समझो, ये हुआ क्या है, ये हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ना, मतलब तुम जा रहे हो इधर और तुम्हारे पापा तुम्हें इधर छोड़ के जा रहे हैं 25 से, यानी तुम्हारे अपोजिट ना, इधर वाला डायरेक्शन में जा रहे हैं तुम्हारे पापा, किस स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड से। नेगेटिव होगा डायरेक्शन, क्योंकि तुम्हारा मोशन का डायरेक्शन तो इधर है, होना चाहिए था माइनस ना, हुआ भी है माइनस। क्लियर है? बोलो छापा। अब अगर यही चीजें तुमसे रिवर्स करके पूछी जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि बी बी माइनस बी बी, बी ए करना चाहिए तुम्हारे, बी बी गलत हो गया क्या? अच्छा, अब +15 -10 कितना होना चाहिए? +25 मीटर पर सेकेंड। 25 वाली तो फीलिंग आ रही है, प्लस की बात करते हैं। अब हुआ क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, सुनो ये, सॉरी ये किसका है, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब मान लो ए जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से, और बी पीछे जा रहा है इसके ए के रिस्पेक्ट में ना, तो ए रेफरेंस तो ए बनाना, तब रेफरेंस तो हमारा ए बनाना। अब देखो हम पीछे जा रहे हैं और हमसे बस आगे जा रहा है, तो ओवरऑल ये बताओ कि हमारे रिस्पेक्ट में बस आगे गया कि पीछे? बिल्कुल आगे गया हमारे रिस्पेक्ट में। जैसे ये हुआ कि एक तो बस आगे जा रहा है, दूसरा तुम पीछे जा रहे हो, तुम्हारे बीच का सेपरेशन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, एक्चुअल से भी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। उस केस में क्या होना चाहिए, बी का मोशन तो आगे ही हुआ है ओवरऑल, अगर तुम मोशन एनालिसिस करो तो ओवरऑल मोशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे में ही हुआ है, पॉजिटिव एक्स में ही हुआ है, इसलिए साइन तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था। और होगा कितना, 25, क्योंकि देखो अगर तुम रेस्ट में रहते ना, सोचो अगर तुम रेस्ट में रहते तो बस बी की स्पीड तुम्हारे रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकंड होती प्लस में। अब क्या हुआ कि तुम मोशन में हो गए और मोशन में तुम्हारा मोशन का डायरेक्शन है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -10 तुमने किया, ये -10 करने का मतलब ये हुआ कि इसमें और तुमने 10 का एडिशन कर दिया। जैसे अभी मान लो तुम रेस्ट में रहते और बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होती तो एक सेकंड में बी तुमसे 15 मीटर आगे जाता, लेकिन अब अब क्या हुआ, तुम 10 मीटर पीछे चले गए। इसका ये मतलब हुआ कि अब एक सेकंड में तुम्हारे और ए और बी के बीच का सेपरेशन 25 मीटर बढ़ेगा। 15 कौन बढ़ाया, 15 बस बढ़ाया और 10 तुमने सेपरेशन बढ़ा दिया, तो तुम्हारे और इसके बीच का गैप कितना हो गया, 25 मीटर एक सेकंड में। 25 मीटर का गैप बना कितना, एक सेकंड में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हुआ। पकड़ पाए बात को, आई बात समझ में? फॉर्मूला एक ही करना है, कभी कभी क्या किसी किसी किताबों में प्लस प्लस वाला मैटर रहता है, आपको वो सब बात नहीं देखना है, वो प्लस माइनस जो भी आना रहेगा आ जाएगा। आई बात समझ में? फॉर्मूला तुम्हें बस एक ही कैरी करनी है, ये वाली। क्लियर है? बोलो, वेरी गुड। आइए अब कुछ कुछ चीजें लिखेंगे भी हम लोग, यहां तक लिखा चलो। तो वही बात है कि यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, किसी का भी रिलेटिव मोशन हो सकता है। आई बात समझ रहे? यहां पे जो रिलेटिव मोशन होगा, ये सब सारे टर्म्स किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव मोशन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, हाँ, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे रिलेटिव मोशन किसका किसका डिपेंड करेगा, एक तो तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, रिलेटिव है,
नहीं, डिस्टेंस भी रिलेटिव होता है, वेलोसिटी आपने देखा ही रिलेटिव होता है, नहीं एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है, ये सब सारे रिलेटिव होते हैं, बट नोट करके ध्यान रखो टाइम रिलेटिव नहीं होता है। टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रिफरेंस। कारण क्या है इसे भी समझ लेते हैं, इसलिए टाइम रिलेटिव नहीं हुआ। जो जो लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा वो रिलेटिव होगा, लेकिन जो टाइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा वो रिलेटिव नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे जो बी था उसकी घड़ी में 5:10 हो रही थी और पांच, और इसकी की घड़ी में देखो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड थी और इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड थी। इसके पास घड़ी था और इस घड़ी में अभी टाइम हो रहा था मान लो 10:10, ठीक है 10:10। क्या इसकी घड़ी में कुछ और टाइम होगा क्या? मतलब दोनों एक ही देश में है, एक ही शहर में अगल बगल हैं, तो 10:10 होगा। अगर हम 5 सेकेंड के बाद बात करें आफ्टर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में क्या होगा 10:05 होगा इसकी घड़ी में, और इसकी की भी घड़ी में 10:10 है ना, 10:05 होगा ना। टाइम में कोई बढ़ोतरी हुई, टाइम घटा या बढ़ा किसी के रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं, टाइम नहीं होता रिलेटिव, सबके रिस्पेक्ट में टाइम सेम ही होता है, किसी के रिस्पेक्ट में भी टाइम वही रहेगा, टाइम रिलेटिव नहीं होता है। आई बात समझ में? क्लियर, वेरी गुड। अब वो तो रिलेटिविटी वाली बात हो जाएगी फिर, नहीं टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? अरे वो रिलेटिव टाइम नहीं है, वो टाइम जोन है, वो जो टाइम जोन है रिलेटिव थोड़े है, वो रिलेटिव नहीं है, वो टाइम जोन होता है जिसमें टाइम चेंज होता है। वो लोग तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं ना बस, बेटा ऐसे वो तो सन के राइज और सनसेट पे डिपेंड करता है और भी बहुत सारे रोटेशन वगैरह पे डिपेंड करता है, वो रिलेटिव टाइम थोड़े हुआ, वो तो टाइम अलग अलग होता है, टाइम जोन अलग अलग है। बेटा ऐसे अगर मान लो अमेरिका में बैठा हुआ किसी आदमी को तुम बोलोगे कि हमारे देश के अकॉर्डिंग 9:05 पे कॉल करना, तो तुम्हारे देश के अकॉर्डिंग वो 9:05 पे ही कॉल करेगा। मान लो तुम चले गए नानी गाँव, 9:10 पे कॉल लगेगा क्या? कोई बात नहीं, टाइम उस 9:05 पे ही कॉल करेगा वो, भले तुम हो ना हो। क्लियर है? वेरी गुड। तो अगर हम बात करें मान लो ये ए है और बी ए वेलोसिटी से चल रहा है, ये बी है, नहीं और ये बी भी वेलोसिटी से चल रहा होगा का है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? लिखते हैं हम लोग अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखा जाता है सर? लिखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए माइनस बी बी। अगर यही चीज हम ऐसे लिखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगा? इसको कैसे लिखने का तरीका है? बी बी ए, नहीं तो बी बी माइनस बी ए, ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड। अगर इन दोनों चीजों को देखो तो तुम्हें ये पता चल ही जाएगा कि भी ए भी बी जो एक्चुअल होता है वो माइनस ऑफ भी बी ए के होता है, क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, नोट करिए।
अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन है ए और इसका एक्सेलरेशन मान लो बी है, ए बी, तो ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखेंगे सर, डी ए बी, है ना, तो क्या होगा ए ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे, बी बी ए, तो बी माइनस ए, क्या गड़बड़ होगा, हाँ, इस हिसाब से रिजल्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। छापी एक छोटा सा सवाल करके जाएंगे, लिखिए अनूप इज मूविंग, एक लड़का है अनूप, अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 meter पर सेकेंड एंड ध्यानी इज मूविंग ड्यू वेस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 meter पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, बताइए आंसर। कितना आएगा, गलत जवाब, और कोई बोलो, गलत जवाब और बोलो, सही जवाब बोलो कोई, आंसर होगा 3 meter पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। आओ चेक करें, देखो कॉपी पे तुम्हारे लिए ध्यान रखना, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, मतलब आपका जो पॉजिटिव एक्स है वो ईस्ट होता है और नेगेटिव एक्स जो है वो वेस्ट होता है बाबू, ठीक है, पॉजिटिव वाई नॉर्थ और नेगेटिव वाई साउथ होता है। कह रहा कि अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट, जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो इधर जाएंगे किस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ अनूप है आपका 1 meter पर सेकेंड, वेरी गुड। अब कह रहा है कि ध्यानी उसी टाइम में चलना स्टार्ट करी, लेकिन किधर, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ चलनी स्टार्ट करी है ध्यानी, वेलोसिटी ऑफ ध्यानी कितनी है 2 meter पर सेकेंड, वेरी गुड। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, यही फॉर्मूला चलेगा, वेरी गुड। चलो वेलोसिटी ऑफ अनूप माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी, क्या गलत था क्या, नहीं क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, सही है, डी ए विथ रिस्पेक्ट, हाँ डी ए कितना है प्लस वन, वेरी गुड, माइनस ध्यानी क्या होगा माइनस ऑफ टू, तो कुल मिला के कितना आया 3, प्लस या माइनस में, ये प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्लस किधर, ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, समझ पाए, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर हम लोग इसी टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, नए कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।